अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमृता किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं हॉट मिल्क टी केक बन रहा है, जिसके लिए हमने दो अंडे और कुकिंग ऑयल हाफ कप लिया है और तकरीबन एक कप हमने चीनी ली है। छोटा चाय का कप होता है ना, उसके हिसाब से हमने एक कप चीनी ली है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है जब तक ये वाइट ना क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। और हमने बटर पेपर भी लगा लिया था अपने सांचे में। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और तकरीबन 100 ग्राम से थोड़ा कम मैंने जो है मैदा लिया है। मैदा भी हमने छान के शामिल करना है, सारा मैदा हमने इसमें छान के शामिल कर दिया है। जितना भी बचा है वो भी हमने इसके अंदर छान दिया है। छान के अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है वनीला एसेंस का और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने थोड़े से दूध में 1 टेबल स्पून भर के मक्खन लिया है और हम इसको पिघला लेंगे दूध को, मक्खन को। जब तक ये पिघल जाएगा मक्खन, तब तक हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको छान के डालना है। हर से हर इंग्रेडिएंट को आपको छान के डालना है और फिर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। सबसे एंड में हमने इसके अंदर दूध डाला है। दूध हमें जितना चाहिए उतना हम दूध डालेंगे, बाकी हटा लेंगे। जितना ज़्यादा आप दूध डालेंगे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर भी थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन उसका कोई मसला नहीं होता। केक हमारा बहुत ही जितना पतला जो है ना इसका वो बना है, जितना पतला इसका बैटर बना है उतना ही सॉफ्ट हमारा केक होगा। और केक आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई भी इसमें लम्स वगैरह नहीं है या अंदर से कच्चा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और अब हम आपको इसको ट्रे में भी निकाल के दिखाएंगे और कट करके भी दिखाएंगे कि ये कैसा बना है। नीचे से भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी नहीं जला है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आगे से भी बहुत सॉफ्ट है, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है। अभी ये देखें, हमने इसको कटिंग कर लिया है और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है। और जो है ना खाने में भी बहुत मज़े का था ये, मैंने खा के थोड़ा सा चेक किया था, ये मुझे खाने में भी बहुत मज़े